चार्वाक दर्शन यानी भौतिकवादी जीवन शैली से आज हर व्यक्ति हैरान है, परेशान है, तनावग्रस्त है। वही सफलता का रास्ता गीता ज्ञान के अनुसार आचरण से होता हुआ ही गुजरता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान आज भी सामयिक है। न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने की ज्योतिषाचार्य कृति शर्मा से खास बातचीत की। आज गीता जयंती है और आज का जो दौर है, आज की जो जीवन शैली है, आज का जो भौतिकवादी युग है, या कहें कि चार्वाक दर्शन के अंतर्गत जो हमारी जीवन शैली है, उसमें आज के संदर्भ में गीता का अध्ययन करना, उसके अनुसार आचरण करना, उसके अनुसार कार्य व्यवहार करना, सफलता के मार्ग की दिशा में जाने का रास्ता हमारे सामने सदियों से रहा है। और आज की हम बात करें, जिस तरह से हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, अवसादग्रस्त है और असफलता का रोना रोता है, उन सब के लिए गीता यह कहती है कि उसका अनुसरण कर लो तो सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाएंगी। हमारे साथ में जो है डॉक्टर कीर्ति शर्मा जी है, इनसे जानना चाह रहे हैं कि आज के संदर्भ में गीता शास्त्र की क्या उपयोगिता है, क्या महिमा है और क्या समय के अनुकूल उसका जो है अध्ययन कर लो, आचरण कह लो, करना जरूरी हो गया है। हाँ नमस्कार सर, गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान समय में गीता का अध्ययन बहुत प्रासंगिक है। आज की युवा पीढ़ी अपने मूल्यों से भटक गई है, हमारा समाज अपने मूल्यों से भटक गया है। इस समय अगर हम बच्चों को शिक्षा में गीता का अध्ययन करवाएं, घर में माता पिता स्वयं भी गीता का अध्ययन करें, बालकों को भी गीता का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें, तो मैं कह सकती हूँ कि बच्चों के अंदर जो निराशा की और अवसाद की भावनाएं आ रही हैं, आए दिन हम आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को देख रहे हैं बच्चों में। फिल्म इंडस्ट्री में भी हमने देखा, अभी सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है कुछ दिनों पहले। इस तरह की जो घटनाएं युवा में बढ़ रही है, वो गीता के माध्यम से निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि व्यक्तियों में अवसाद की भावना कम होगी। अर्जुन भी जब विषाद योग से ग्रसित हुए थे, गीता के प्रथम अध्याय जो है उसको अर्जुन विषाद योग का ही नाम दिया गया है, जब महाभारत के युद्ध में सामने कौरवों की सेना को देखकर, भीष्म पितामह को देखकर, द्रोणाचार्य गुरु को देखकर जब अर्जुन विषाद योग से ग्रसित हो गए थे, उस समय श्री कृष्ण ने गुरु की भूमिका निभाते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र भी थे और मित्र से अच्छा गुरु शायद नहीं होता कोई, इसीलिए जब श्री कृष्ण ने गुरु की भूमिका निभाते हुए अर्जुन को विषाद योग से बाहर निकाला और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित किया, उनको बताया कि ये जो सब रिश्ते नाते हैं, ये सब भौतिकता के रिश्ते हैं जो आज तुम्हें दिख रहा है, तुम पिछला जन्म क्या थे तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारा कौन पिता था, तुम किसके पिता थे, और ये सब इन सबका मरना नित हो चुका है पहले, प्रभु ने सब कुछ पहले ही नियत कर चुका है, इन सबका कारण मैं हूँ, सर्वांश जो है हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर मेरा ही अंश है। उन्होंने गीता में कर्मयोग, भक्ति योग, सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग, इन विभिन्न योगों के माध्यम से अंत में 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वैराग्य योग, संन्यास योग किस का महत्व बताया था। भक्ति योग में उन्होंने जब अर्जुन बहुत ज़्यादा विषादग्रस्त हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था गीता के 12वें अध्याय में, और उन्होंने बताया था अर्जुन को कि सब कुछ, अगर मनुष्य सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ करके सिर्फ अपना कर्म करे, भक्ति में लीन हो जाए, तो वो कभी जीवन में सफल ही नहीं हो सकता। और ये मेरा भी मानना है, गीता को पढ़ना अलग चीज़ है और गीता को पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतारना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। गीता को पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गीता को पढ़ करके उस पर मनन करना, अभी जैसे सर ने कहा था कि चार्वाक दर्शन, वास्तव में आज की जो पीढ़ी है वो चार्वाक दर्शन से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चार्वाक यही कहते थे कि जो आज है वही सब कुछ है, केवल भौतिकता में ही वो विश्वास करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने जो हमें शास्त्रों में बताया है, अर्जुन जैसे गुरु और अर्जुन जैसे शिष्य, श्री कृष्ण जैसे गुरु समाज में होना आज बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। इन सबके बाद ही हमारा समाज की जो युवा पीढ़ी है अवसाद से निकल सकती है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।